हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका साथी विकास यादव। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका सक्सेस रहना यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ, मुझे किसी ने सेंड की थी भाई ने। तो इसमें डिपार्टमेंट आपको भरने कैसे, कब भरने हैं। तो देखिए, पिछली बार की बात है, पहली बात तो कब भरने हैं। तो पिछली जो भर्ती थी 10/2019-2015 वाली, उसी भर्ती का ये फॉर्म है जो भरा हुआ है। तो आपको कब भरना है, तो पिछले बार जो भरी गई थी वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद भरी गई थी, और आई होप अब की बार भी फाइनल रिजल्ट के बाद ही भरी जाएगी, क्योंकि उन्हीं से भरवाया जाता है जो सिलेक्शन ले लेते हैं, और बाकी NSS ये पहले भरवा सकती है। तो आप अपनी तैयारी पहले से रखो। कैसे आपको भरनी है वो आपको समझा देता हूँ मैं। पूरी लिस्ट है, वैसे डिपार्टमेंट की लिस्ट मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो, तो वो अलग होता है और DC ऑफिस का अलग से ऑप्शन आएगा। तो इसमें 101 के आसपास डिपार्टमेंट है, कैसे भरना है वो सीख लो एक बार बिना देरी के, लास्ट तक देख लेना। देखो, जैसे ये DC महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सिरसा, कैथल, रेवाड़ी, ये लिखा है, ये सिर्फ DC ऑफिस के लिए। मान लो अभी हम बात कर लेते हैं भाई, DC रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो ये लाइन, ये जो देखिए, अब ये जो लिखे हैं, जो जो ये कैटेगरी लिखी है, जनरल SC, BCA, BCB, EPBPG, ESM, EPBG, इसलिए क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उस टाइम पे EPBPG कैटेगरी थी, अभी नहीं है। तो अभी आपको यहाँ पे EWS मिल सकता है, EPBPG नहीं मिलेगी। तो जो जो कैटेगरी सामने लिखी है उस डिपार्टमेंट के, इसके सामने ये लिखा है, इसके सामने ये लिखा है, सिर्फ अगर आप इन कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो ही आप इसको चूज करना। जैसे इसमें तो लगभग सारी है, ये देखो 9th नंबर पे माइंस एंड जियोलॉजी फॉर फील्ड। फील्ड का मतलब होता है फील्ड वाला, हेडक्वार्टर नहीं, फील्ड पूरे हरियाणा में कहीं पर भी हेडक्वार्टर, जहाँ पर चंडीगढ़ या पंचकूला जहाँ पर वो होता है। अब यहाँ पर देखो सिर्फ जनरल और SC, तो इसमें जो BC का कैंडिडेट भर देगा उसकी प्रेफरेंस नहीं मानी जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जो कैटेगरी सामने लिखी हुई है सिर्फ वही कैटेगरी का कैंडिडेट उसको फिल करे, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये है पिछली भर्ती का। अब की भर्ती में जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी कैटेगरी की पोस्ट वैकेंट है उसके सामने वो कैटेगरी लिखी हुई मिलेगी, तो वही बच्चा फिल करे उसको। ऐसा ना हो जल्दीबाजी में आप गलत भर दो, क्योंकि कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे, इसमें देखो जनरल SC, BCA, BCB, EPG, OSP, OSP जनरल SC, OSP, इसमें स्पोर्ट्स वाले लगभग सब है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे, देखो ये देखिए आप, जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल HBSC भिवानी, इसका फील्ड हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, ये एक ही जगह है भिवानी में, तो इसमें आगे हेडक्वार्टर या फील्ड नहीं लिखा हुआ। आगे जी ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज, ये आपको अपने आप अलॉट करेंगे वो, तो इसको आप जो लेना चाहे वो कर सकते हैं। अब देखो ये है 16 एग्रीकल्चर फील्ड, फील्ड का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है एग्रीकल्चर के वो। अब एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर भी कहीं पे लिखा मिलेगा, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये रहा, जैसे डेवलपमेंट एंड पंचायत हेडक्वार्टर, इसका मतलब सिर्फ आप पंचकूला या चंडीगढ़ जहाँ पर भी हेडक्वार्टर है इसका वहाँ रहोगे, पूरी ज़िंदगी रहना होता होगा शायद मेरे हिसाब से, तो बाकी ट्रांसफ़र कर दे तो कर दे, बाकी शायद मेरे हिसाब से नहीं होता, जो हेडक्वार्टर लेता हो उसका हेडक्वार्टर में रहना पड़ता है। तो ये है हेडक्वार्टर। अब आगे ये देखो फूड सप्लाई फॉर फील्ड ऑफिस, फूड सप्लाई के जो फील्ड में है अपने तहसील के आसपास, SDM ऑफिस के आसपास या डिस्ट्रिक्ट में, वो वाले हैं फील्ड के। हेडक्वार्टर का मतलब अपने चंडीगढ़ या पंचकूला। तो देखिए ये अलग अलग ऑप्शन ये मिलगा, देखो प्रिजन जेल का होता है हेडक्वार्टर फॉर, ना प्रिजन फॉर हेडक्वार्टर और प्रिजन फॉर फील्ड। हेडक्वार्टर मतलब हेडक्वार्टर में जहाँ पंचकूला चंडीगढ़ जहाँ पर भी है इसका, और फील्ड का मतलब जो और फील्ड में यहाँ पे जिनका ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या डिवीजन लेवल पर जहाँ पर भी आपको मिले। जैसे ITI फील्ड, ITI हेडक्वार्टर, ITI फील्ड का मतलब है जो ITI है, जो अपने कॉलेज की तरह जो ITI होती है वो वाली। हेडक्वार्टर मतलब चंडीगढ़ या पंचकूला। तो भाई इस तरह से आपको भरना है। जो DC ऑफिस लेना चाहता है वो DC ऑफिस के सामने भरे, लेकिन अपनी कैटेगरी देख के, अगर आप जिस कैटेगरी में और वो कैटेगरी नहीं है तो मत भरना, तो अपनी कैटेगरी आपको लिखी हुई मिलेगी जिस डिपार्टमेंट में जैसे ही खाली मिलेगी। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर ज़रूर करनी थी मुझे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी इससे पहले वो ग्रुप D के डिपार्टमेंट थे, उसमें हेडक्वार्टर या फील्ड नहीं होते थे, वो अलॉट खुद करते थे, लेकिन इसमें DC ऑफिस अलग होता है और इसमें हेडक्वार्टर और फील्ड अलग से मांगते हैं। तो भाई ये देखो कितने डिपार्टमेंट है, 103 डिपार्टमेंट है, 103 डिपार्टमेंट है।
तो ये आपको भरना पड़ेगा। और फिर आपके प्रेफरेंस कैसे मिलेगी, आपके जैसे नंबर होंगे उस तरह से आपको ये डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। ये मत समझना मैंने जो भर दिया वही मिलेगा, नहीं, आपने भर दिया एक भाई ने और भर दिया, मान लो आपने ये भर दिया एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर दो नंबर पे, एक भाई ने और भर दिया एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर दो ही नंबर पे, लेकिन आपके नंबर 70 है उसके 71 है, तो उसको पहले मिलेगा। और अगर इसके भी 70 होते तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको मिलेगा। तो इस तरह से होती प्रेफरेंस भरना। आई होप आप समझ गए होंगे मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मोटिव। और एक और बात इम्पोर्टेंट चीज़ सुनो रुको, इसमें HSSC वाला जो है डिपार्टमेंट इसमें नहीं है, ठीक है, और ना इसमें DC गुड़गांव का ऑप्शन है। DC गुड़गांव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको वो डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जिसने हरियाणा SSC को रिकमेंड दिया था कि हमें क्लर्क की ज़रूरत है, जिस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी के लिए भेजा हुआ है रिकमेंडेशन HSSC को, वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। हो सकता है DC अंबाड़ा इसमें है अब जो आई उसमें ना हो, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये मत समझ लेना भाई ये नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसमें वैकेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप समझ गए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, अब भी आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और बाकी जब आएगी डिपार्टमेंट भरवाने के लिए आएगा तो किसी भाई के से मैं उसका रोल नंबर वगैरह पूछ के आपको डेमो भी करके दिखा दूंगा। तो धन्यवाद, वीडियो में देखिए यार मैंने, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और कल का रिजल्ट जल्द दिया जाएगा, होपलेस मत होना, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना।